अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किवी नाज़रीन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है चिकन के हवाले से, लेकिन आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वो डिफरेंट सी और यूनिक सी टेस्टी सी रेसिपी है जो कि होगी फ्राइड चिकन की। लेकिन इस चिकन को हम कैसे फ्राई करेंगे, आज हम जो चिकन बना रहे हैं वो है बेसन वाला चिकन। मतलब जो हम चिकन को फ्राई करेंगे वो बेसन की कोटिंग करके करेंगे या बेसन लगा कर करेंगे, मैरिनेट करेंगे, किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, और ये जो हम लोग रेसिपी तैयार करेंगे किस तरह, इसकी तरकीब को हम जानते हैं मम्मा से। जी मम्मा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये देखे ना, मैंने ना ये निशान लगा लिए, इसे चीरे दे दिए मैंने, ये देखे ऐसे, ठीक है चीरे दे दिए। अब ये ना मैं सूखा धनिया एक चम्मच, ठीक है आधी चम्मच पाउडर मिर्च, ठीक है ज़रा सा करारा सा बन जाए, बहुत अच्छी आ रही सूखी धनिया की ना, आधा चम्मच दादरी मिर्च का। अच्छा जी, आधा चम्मच पौना ही समय लिया नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब टेस्ट का फर्क बताइए, का कम ज्यादा कर सकते हैं या क्वांटिटी पे भी है कि आपने अगर ज्यादा चिकन दिया है कम लिया तो। ये एक चिकन है, 8 पीस करवाए थे इसके, ठीक है। तो आप लोग अगर आपकी फैमिली ज्यादा है या आप गेट टुगेदर किया है तो फिर आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, ये मैंने लगा दिया ना सारा मसाला कर दिया ना, अब मैं इसमें ना सिरका डालूंगी। तो ये हमने इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया। हाँ जी, ये ना सिरके से अच्छा भी हो जाएगा जायका इसका, और ये खट्टा भी हो जाएगा, मसाला रच जाएगा। अगर आप एक दिन पहले लगा लें ज़्यादा अच्छा है, मसाला रच जाएगा। अगर आपने मतलब आज ही बनाना है तो सुबह लगा लें आप, तो ये सारा ना मसाला रच जाएगा इसमें से। ये देखो मैंने मिक्स कर दिया, ठीक है ये अब इसको मैरिनेट करके हम लोग फ्रिज में रख देंगे। हाँ जी, तो ओवरनाइट हम लोग इसको मैरिनेट करेंगे। हाँ जी, आप ना मैं फिर बेसन को लूंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अच्छी मतलब सिंपल मसाले हैं वो। हाँ, हमने विनेगर भी क्योंकि डाल दिया है, माशाल्लाह खुशबू आ रही है, और सूखा धनिया भी बहुत अच्छी इसकी स्मेल आ रही है, अच्छी तरह मिक्स कर दिया। चले तो मैरिनेशन जब हो जाएगी तो ये टेस्ट में माशाल्लाह बहुत अच्छा बने। हाँ जी, ये ना मसाला भी रच जाएगा इसमें, वो मैंने चीरे भी दिए हुए इसे। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज फ्राई फिश की और फ्राइड चिकन की जो सी रेसिपी है जो हम बेसन वाला चिकन बना रहे हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें, और व्यूअर्स आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हमारी वीडियो को पूरा देखना है, देखते हैं कि मज़ेदार से जो सी हम चिकन फ्राई की रेसिपी तैयार करें, बेसन वाला चिकन वो कैसे तैयार होगी। इसको मैरिनेट करते हैं, इसको रखते हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। ये तो व्यूअर, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो चिकन है इसको हम लोगों ने आज बेसन वाला चिकन तैयार करना है, तो हमने मैरिनेट करके इसको रख दिया था। और यहाँ पर हम लोग जो है, मैंने ना थोड़ा सा बेसन डाला है इसमें, इसलिए कि ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो पकोड़े बन जाएंगे। पकोड़े नहीं ना हमने बनाने, चिकन पकौड़ा नहीं बनाना, मतलब हल्की सी बस हम लोगों ने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। ज़्यादा हम लोगों ने बेसन नहीं डालना, तो हल्का सा हम लोगों ने बेसन डाला, बिल्कुल थोड़ा सा बराए नाम, और क्योंकि मैरिनेशन इसकी हम लोगों ने अच्छे से कर ली है, तकरीबन हम लोगों ने इसको ओवरनाइट छोड़ दिया था, और मैरिनेटर हम लोगों ने आप लोगों के सामने किया था इसे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो को पूरा देखा तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम लोगों ने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी ये जो सी बेसन वाला चिकन फ्राई जो है हम करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है। तो मम्मा, इसको हम लोग फ्राई करेंगे। हाँ जी, ठीक है। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कीजिए वीडियो को पूरा देखना, देखना कि मज़ेदार से जो सा बेसन वाला फ्राइड चिकन है वो कैसे तैयार होगा। बस हो गया, ये मैंने पीस डाल दिया। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने पहले मैरिनेट कर लिया था अपने चिकन को, और उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग की है बेसन की, क्योंकि आज की हमारी रेसिपी जो सी है फ्राइड बेसन चिकन की है। तो हम लोगों ने इसको घी को खास प्रेशर पे गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर चिकन जो है वो डाल दिया। तो अब ये जो चिकन जैसे जैसे बनना शुरू हो गया, इसकी हल्की हल्की प्यारी प्यारी मज़ेदार जैसे वो भी आनी शुरू हो गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है ये जो चिकन है वो फ्राई होगा, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, जब भी थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद की हम साइड को चेंज करेंगे। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने देखना है, कहीं नहीं जाना वीडियो को, कि जो मज़ेदार थी जो सा बेसन वाला चिकन तैयार कर रहे हैं उसका फाइनल लुक क्या होगा। अब मैं ना उल्टाती हूँ, ये देखें माशाल्लाह, ये माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कोटिंग भी बिल्कुल नहीं हुई थी, हमने बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं की क्योंकि हम लोग चिकन पकौड़ा तो बना नहीं रहे, इसलिए इसके ऊपर हम लोग कोटिंग ज़्यादा करें। तो हम लोगों ने बिल्कुल हल्का सा टच किया बेसन का, और ताकि इसका जो फ्लेवर है वो जो इसके ऊपर मसाला ना वो सास जो लग जाएगा,
ताकि जो मसाला है उसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। तो हमने साइड्स की चेंज कर दी, इसको फ्राई करें, हाफ कुक ये हो चुका है। मज़ीद थोड़ी सी देर हम और पकाएंगे, उसके बाद जो है हमारी आज की रेसिपी वो बिल्कुल फाइनल हो जाएगी। इतना प्यारा कलर आ गया इसका, अब मैं निकाल रही हूँ इसे। इसी तरह जो सा हमारा रिमेनिंग चिकन, उसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम लोगों ने निकाल लिया है और जो इसका है टिशू पेपर पे रख के इसको आप ड्राई कर लें, ताकि जो से इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा जो है वो टिशू पेपर पे सॉप हो जाएगा। बाकी चिकन भी हम लोगों ने डाल लिया है। जी तो व्यूवर्स, ये है हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सा है चिकन उसको भी निकाल लिया है, फ्राइज़ भी हम लोगों ने रखी हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने जो प्याज है सिरके वाले, टमाटर, लीमू, और जो है हम लोगों ने सलाद के पत्ते उसके ऊपर रख के इसको डिश आउट किया है। तो वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआ को हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।